क्या काम करते हैं? सफाई का। क्या सफाई का? कर्मचारी, सफाई काम, झाड़ू लगाना, कूड़ा उठाना। तो यहाँ आपको सुविधा क्या दी गई है? बस यही सुविधा है कि काम करो, अगर बारिश हो जाए तो अगर फ्रंटो नहीं मिलते कह दे के, पन्नी भी मांगे पन्नी भी नहीं मिल सकती, पैसा मांगो तो पैसा भी नहीं जल्दी दे सकते, यही दिक्कत हो रही हो क्या है? 156 रुपया या किसी को 120 रुपया 8 घंटे के काम के लिए मिल रहा है, जबकि इनसे काम लिया जा रहा है 16 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे, काम का कोई समय निश्चित नहीं है। अगर ये काम करने से मना भी करते हैं तो इनसे कहा जाता जाओ मत करो चले जाओ। तो ये बेचारे क्या करें, इनके अपने गांव में भी रोजगार नहीं है, रोजगार की तलाश में ये इस मेले में चले आए ठेके पर सफाई करने के लिए। रोज कितना मिलता है पैसा? रोज यहाँ हमको मिलता है 156 रुपये। 156 रुपये यहाँ नगद कैश मिलता है, जो मतलब महीने में एक बार। सरकार से कितना आता है? सरकार से तो पूरा आईडेट मान लो 250 रुपया वहाँ से बंधा हुआ है। लेकिन आपको कितना मिलता है? 156 रुपया। तो जो ठेकेदार आपको लेके आया है उसने पूरा पैसा दे दिया 156 के हिसाब से? तो ठेकेदार नहीं लिए, वो तो सरकार देगा, जब ठेकेदार पाएगा, जब ठेकेदार पाएगा तो हमारे हाथ में आएगा। तो अभी तक जितने दिन आपने काम किया है सारा पैसा मिल गया? हाँ, वो तो पिछले महीना का मिला, इस महीने का नहीं मिला, अभी नहीं मिला। इन सफाई कर्मियों ने अभी कुछ दिन पहले अपनी मांगों को लेकर के धरना भी किया था, जिसमें इन्होंने मांग की थी सरकार ने जो 198 रुपये मजदूरी रखी है उसे बढ़ाया जाए। इनकी मांग थी इनकी मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये की जाए। तो इतने कम पैसे में काम करने क्यों आए? अरे क्यों आते हैं, वहाँ से बुलवा लेते हैं कि 200-250 रुपये मिलेगा, अब यहाँ कहते हैं कि इतना नहीं मिलेगा। तो अब क्या चाहते हो? अब हमको क्या चाहना है, जितना हमको मिला पूरा पैसा चाहिए हमको, कम से कम 250 पेपर में दिया था, 250 चाहिए। आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं, अगर आप मेला के प्रभारी आजम खान जी को चिट्ठी लिख करके, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक अहम मंत्री हैं, उनका पता है आजम खान, मेला प्रभारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मैं अजीत बहादुर, इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।